इतना इतने में पहुंच गए हो आप, कहाँ तक आ गए? 400 300 BC के अराउंड आ गए ना, ठीक है। अब आगे चल रहे हैं, अब इंडिया का मैप देखो एक बार अच्छे से। ये सब जो बातें की मैंने अभी, वेद ये सब चीज़ें, ये कहाँ पे हो रही हैं इस टाइम? यहाँ हो रही है ना, सब सिंधु रीजन में, जो ये इंडस और इसके इन रिवर्स के भी पुराने नाम, जो वैदिक नेम्स हैं, ये सब जो इंडस, रावि, चिनाब वगैरह, इनके संस्कृत के नाम UPSC पूछता है, याद है आपको? झेलम का क्या है? अस्किनी असिकनी है, चिनाब क्या है? विपश ब्यास क्या है? वितस्ता, इंदस का सिंध, ठीक है। और सरस्वती, गोमती सप्त सिंधु में नहीं आती है, हाँ हाँ और सब सिंधु में छूट। रावी का बताओ, विपाशा तो ब्यास का हो गया ना सीधे सीधे, पारुषनी, और कौन सी छूट गई? झेलम हो गई, सतलुज, शुतुद्री, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, फिलोसफीज डेवलप, ये सब इधर चल रहा है, ठीक है। एक और चीज़ देखो, वैदिक एज में लोहा आ चुका है पिक्चर में। अब जब लोहा आ चुका है पिक्चर में, तो अब वो एक्सपैंड करे, हड़प्पन तभी तो एक्सपैंड नहीं कर पाए, कॉपर से आप कितना डोमिनेट करोगे आसपास, अब लोहा आ गया, ठीक है। और इसीलिए मतलब मेरे को नहीं पता था हड़प्पन को लैप्स कैसे हुए, पर लोग बोल ऐसा लिखा हुआ है बड़ी जगह, दो कारण थे कि हड़प्पन हार गए आर्यन से, पहला लोहा, लोहा और कॉपर की लड़ाई होगी तो लोहा जीतेगा, सेकेंड उनके पास हॉर्सेस थे। ये चीज़, ये जो चीज़ है ना, ये बिल्कुल कंसेप्चुअल चीज़ है, हॉर्सेस वाले कभी भी हरा देंगे जो बिना हॉर्सेस के लड़ रहे हैं। सेम चीज़ आपकी लगेगी कहाँ पे, जब पानीपत की लड़ाई होंगी ना, वहाँ गन पाउडर लाएगा, कौन लाएगा? बाबर। तो ये जो, वो भी UPSC ने पूछा, ये भी UPSC ने पूछा, मैं आपको बता रहा हूँ UPSC बिल्कुल आपकी स्ट्रेटेजिक चीज़ें पूछता है जिसके इम्प्लीकेशन बड़े होते हैं ना, हॉर्सेस भी इसीलिए वो पूछता है, क्योंकि हॉर्सेस इनके पास नहीं थे तभी ये हारते थे। NCERT कोई किताब, बाकी किताब में जितना मर्जी लिख लें, इनके पास हॉर्सेस नहीं थे, और वहाँ पे वो गन पाउडर पूछता है। चलो वो पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही थी अभी, है ना। अब लोहा आ गया, अब ये करेंगे एक्सपैंड, ठीक है, एक्सपैंड करेंगे ना। अब एक्सपैंड जब करेंगे तो इंडिया में छोटे छोटे किंगडम्स बनेंगे, जिनका नाम क्या क्या कहते हैं उन किंगडम्स को? नहीं नहीं महाजनपद, 16 महाजनपद बनेंगे, ठीक है, समझ गए आप? तो जब वो एक्सपैंड करेंगे लोहे के साथ, लोहा यूज़ करके, तो महाजनपद बनेंगे 16, 16 में से बचेंगे 4, ऐसे जैसे अभी इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, कितनी स्टेट्स हैं वैसे इंडिया में अभी? पक्का UTs कितनी हैं? 8 UTs सुनाना, कोई भी एक बंदा, एक सेकेंड, ये दोनों अलग अलग हैं, एक ठीक है, एक, तीन, चार, छः, लक्षद्वीप, अंडमान, ठीक है, 28, 8, ठीक है। ये PYQ जैसे ज्योग्राफी के PYQ होते हैं ना, अब ये सिर्फ चीज़ें याद रखा करो, क्योंकि पेपर में छपा होता है फिर कि इंडिया हैज़ फॉर एग्जांपल कितनी कोस्टल स्टेट्स हैं इंडिया में, फिर वहाँ पे गिनी नहीं जाती हैं वो पेपर में, कितनी हैं, 6 या 8, 8, आप गैस करो कितनी होंगी कोस्टल स्टेट्स, कितनी हैं इंडिया में, स्टेट्स बोल रहा हूँ सिर्फ, हाँ, 8, आपकी 8 थी कि 9, ऊपर भी है क्या कोई समुंदर? गिनाना 10, 10 गिनाना 10, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, नो, त्रिपुरा में कौन सा समुंदर है? ठीक है, अभी ज्यादा तो नहीं होगी हिस्ट्री, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा वाले बेचारे अभी रेल लाइन के लिए मरे पड़े हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब हम आगे चल रहे हैं, वहाँ पे जब महाजनपद बने 400 BC के बाद, महाजनपद बने,
चार तीन 600 से 400 BC में क्या इंडिक फिलोसफीज बनी, फिर आगे महाजनपद बने, फिर पहले चार बचे, फिर चार में एक सबसे बड़ा बचा जो कि है मगध महाजनपद, जिसको कहते हैं कौन सा एम्पायर, मौर्यन एम्पायर। ठीक है, अब यहाँ ये UPSC का फिर से बहुत फेवरेट एरिया है। ठीक है, मौर्यन एम्पायर, तो आप वो जो टाइम लाइन चल रही थी ना, ये इसको करो 400, यहाँ पे वो इंडिक फिलोसफीज वाली डायग्राम बना लो, 400 से 300 BC में, मतलब ये नहीं, इसको करो आप 450 से 350 BC में, इसको लिख लो महाजनपद का टाइम, और फिर 350 से 212 BC तक आप कर लो मौर्यंस। अब ध्यान से सुनना एक बात, ठीक है, ध्यान से सुनना, हर तीसरे दिन ना मोदी जी किसी ना किसी मीडियम पे बोलते हैं इंडिया इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं ना। हमने वो किया ना अर्ली वैदिक एज, वहाँ पे सभा और समिति थी, वो कंसेंसस से डिसीजन करते थे, और UK में मैग्ना कार्ट आया 1215 में। ठीक है, तो UK वाले कहते थे कि UK इज़ द फादर ऑफ डेमोक्रेसी, तो इन्होंने फिर अपना निकाला कि हम मदर हैं, क्योंकि तब से हमारे कंसेंसस से डिसीजन हो रहे हैं। एक और चीज़ ये मेरे को इसलिए याद आया कि ये जो महाजनपद का टाइम था ना, हमारे यहाँ भी थे जहाँ पे भी हमें यहाँ पे भी महाजनपद थे, कौन सा था गैस करो, कंबोज। ठीक है, कंबोज या थोड़ा एरिया गंदारा का भी, गंदारा तो वैसे ऊपर हो गया, तो ये जो महाजनपद थे ना, जो पहाड़ी एरिया के महाजनपद, ये सारे रिपब्लिक्स थे उस टाइम। रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिक एक लाइन में बताना, व्हाट इज़ ए रिपब्लिक, व्हाट इज ए रिपब्लिक, इंडिया इज ए रिपब्लिक, हाँ तो बताओ क्या होता है रिपब्लिक, इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, तो वो भी रिपब्लिक्स होते थे उस टाइम। ठीक है, तो ये ऐसे ही बता रहा हूँ। तो अब आया मौर्यन एज, ठीक है, ये मौर्यन एम्पायर। अब मौर्यन से UPSC क्या क्या पूछता है, ध्यान से सुनना, सबसे फेवरेट जो UPSC पूछता है, वो पूछता है मौर्यन से इंडिया में एक चीज़ की शुरुआत होती है, वो है क्या चीज़, केव आर्किटेक्चर। इंडिया फेमस है ना केव्स के लिए, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा। ठीक है, मौर्यन से केव्स की स्टार्ट हुई है, केव्स आर की, और मैंने कल पूरी कहानी बताई थी किसने की थी, पहली इंडिया की पहली केव कौन सी है, बाराबर केव्स, अपने पापा को, और पापा जो थे उसके वो किस धर्म के थे, जैनिज्म के दादा थे, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जैन थे, उसके बाद आजीविका और उसके बाद बुद्धिज्म। इंडिया की पहली केव लोमस ऋषि केव, हर तीसरे साल पेपर में छपा होता है कहीं ना कहीं, बाराबर हिल्स में लोमस ऋषि केव। ये पॉइंट नहीं है अभी कि तुम्हें ये रट रहा, मेरा पॉइंट है कि मौर्यन एम्पायर में तुम्हें फोकस किस चीज़ पे रखना है। मौर्यन एम्पायर से अगर क्वेश्चन आएगा तो पहला प्रोबेबिलिटी है कि वो केव से आए, दूसरा किससे आएगा जो हर तीसरे साल आता है, मौर्यास आर्किटेक्चर के लिए ही मशहूर हैं, दूसरा क्या आर्किटेक्चर, इनके पिल्लर्स और रॉकेटिक्स बड़े मशहूर हैं, हर तीसरे साल क्वेश्चन आया होता है, ये भी लिख लो यार। ये सब सबको पता है कि इसका बेटा कौन था, उसका बाप कौन था, है ना, फर्स्ट किंग्स का, अच्छा अच्छा फर्स्ट केव का, ये है यार लोमस ऋषि, और ये बाराबर हिल्स में है। हाँ, ये मैं आज सिर्फ आपको क्रोनोलॉजी समझा रहा हूँ, अभी जब आप जाओगे जाने लगोगे ना तो एक मैं आपकी वीडियो डाउनलोड कराऊंगा, इंडियाज मैप चेंजिंग ओवर 10,000 साल, वो आपको आज पूरे देखना है अच्छे से, ये प्लीज़ क्लियर कर लो। मैं आपको बता रहा हूँ एक क्वेश्चन फिक्स है क्रोनोलॉजी पे, और वहाँ प्रेशर में नहीं आएंगी वो चीज़ें बाहर। फिर आज सिर्फ आप ये रखो कि किस साल क्या चल रहा है, मेरा ये फोकस है पूरा, ये तो भी पूरा लिखवाना है मैंने बाराबर हिल्स में। ये बिहार, मेरे हिसाब से बिहार है, आप MP अगर कह रहे हो तो, नहीं नहीं बाघ MP में है, हाँ ये बिहार में है, बाघ गुप्ता की हैं, एक और चीज़ जो इस एरा की बार बार UPSC पूछते, मैंने क्या क्या बताया, केव से आएगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन किससे आएगा, रॉकेटिक्स पिलर, एक और क्वेश्चन UPSC, देखो अब ये जो जितने बड़े बड़े एजेस हैं ना, मौर्यंस, आगे गुप्ताज आएंगे, यहाँ कुछ निकल गए, दो तीन क्वेश्चन तो फिक्स हैं, कास्ट सिस्टम बढ़ रहा था या नहीं बढ़ रहा था, वुमेन की कंडीशन कैसी थी, लोगों को पनिशमेंट मिलती थी या नहीं, तो ये तो मैं लास्ट में बता दूंगा, ऐसे चार्ट बना के, गुप्ता में वुमेन है ना, उस संगम में वुमेन, वैसे वैसे। अब ये समझो आप अच्छे से, तीसरी चीज़ जो UPSC मौर्यन एज से पूछता है, वो पूछता है सोर्सेज, क्योंकि इस टाइम पे एक इंडिया की लैंडमार्क किताब लिखी गई है, कौन सी किताब है, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र UPSC पूछता है, और अर्थशास्त्र ये जो पिछले हफ्ते KS हुआ इसमें भी क्वेश्चन आया था, समझ गया, इससे बड़े पूछता है वो अर्थशास्त्र से, समझ रहे हो। और
बाकी सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी कैसी थी? एक चीज़ और बताता हूँ आपको, ये जो टर्म सुनी है आपने मंत्री, बोलो, वो ये था कि किस पार्ट में क्या है, मेरे को जहाँ तक याद है। मैं यूपीएससी वाला बता देता हूँ आपको, तीन पार्ट हैं अर्थशास्त्र के, सोसाइटी इकोनॉमी, पॉलिटी और तीसरा डिप्लोमेसी, ठीक है। और ये उसने पूछा था पार्ट वन क्या, पार्ट टू क्या, पार्ट थ्री क्या, क्या कहानी अर्थशास्त्र की, जब सोसाइटी इकोनॉमी डिस्कस हो रही होगी। एक और जो एक किताब है मुद्रा राक्षसा, उसमें बताया हुआ है कि कैसे नंदा को ओवरथ्रो किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, पर वो किताब लिखी गई है गुप्ता एम्पायर के टाइम। जब आप जो क्वेश्चन बोल रहे हो ना, वो ये आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स, वो अलग है। जो ये जो किताब है अर्थशास्त्र, ये बड़ी चीज़ें बताती है, बीच में ये भी बता जाता है सोसाइटी इकोनॉमी कैसी थी। एक किताब जो स्पेसिफिकली ये बताती है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको ओवरथ्रो किया था, वो मुद्रा राक्षस है, और वो विशाखदत्त ने की, वो गुप्ता एम्पायर में लिखेगा, ठीक है। एक और, अब देखो, जब जितने भी हम एजिस करेंगे ना गुप्ता एम्पायर में, हर्षा एम्पायर में, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, वुमेन की कंडीशन कैसी थी, ये कैसी थी, प्लस हर एम्पायर की कीवर्ड्स होते हैं, समझ रहे हो। जैसे इस एम्पायर के दो तीन कीवर्ड बता रहा हूँ आपको, आज सुनते हो आप न्यूज़ में मंत्रिपरिषद, पहली बार कीवर्ड ये कहाँ आया मौर्यन एम्पायर में, मंत्रिमंडल। मैं लिखवाऊंगा ये सब, मैं आपको बता रहा हूँ कि अब हर एम्पायर के मैं आपको कीवर्ड्स भी लिखवाऊंगा, जो जो पूछते हैं मंत्रियों को। ये लोग कहते थे समहताज, सेक्रेटरीज को कहते थे, समझ रहे हो। तो ये सब भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये कब ख़त्म हुई मौर्यन एज, अब यहाँ पे देखना 212, ठीक है, ऊपर ये चल रहा है ना। मौर्यंस के बाद कौन आए थे, अगर किसी को आइडिया हो, मौर्यंस ने बुद्धिज़्म को रिवाइव किया ना, अशोका ने कर दिया ना लास्ट में रिवाइव, अशोका ने किस बैटल के बाद बुद्धिज़्म, मतलब कलिंगा, ठीक है ना, ये सब करेंगे हम। तो जब बुद्धिज़्म रिवाइव हो गया, तो अब इसके बाद एक डायनेस्टी आएगी जो स्तूपस तोड़ेगी, नाम पता है उसका, हाँ, चुंगस, ठीक है, बरूद स्कल्पचर को पहले तोड़ेंगे, फिर वो भी करेंगे रेट्रोफिट। वो उड़ायन, जब मैंने बोला ना 16 महाजनपद थे, फिर मैंने बोला चार बचे थे, उन चार के ये राजे थे। देखो क्या होता है इंडिया में, मैंने जब आपसे 28 स्टेट पूछी ना, मैं यही पूछ रहा था, 16 महाजनपद थे इंडिया में भी, 28 स्टेट्स हैं, पर कुछ चार पांच पावरफुल स्टेट्स हैं ना, वो एक दूसरे से, बिहार वाला इधर जाता है महाराष्ट्र के ओथ सेरेमनी में, कोई किसी की ओथ सेरेमनी, वैसे ही वहाँ पे 16 थे और चार इंपॉर्टेंट थे, जो कि थे अवंती, कोसला, मैं बोल रहा हूँ बाकी, एक तो मगध हो गया, और एक ये लोग आपस में मैट्रिमनी अरेंज करते थे, और ये उनके राज हैं, उड़ायन, अजात शत्रु वगैरह, ठीक है। तो अभी तक हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट 200 BC में, ठीक है, अब चले आगे। अवंती, कौशला, मगध, वैशाली कैपिटल पता नहीं, मैं एक लिखवाऊंगा ये अभी। अब दो, हम 200 BC पे है ना, अब तीन पिक्चरें चलेंगी साइमल्टेनियसली, ध्यान से देख लो आप, ठीक है। अभी 200 BC तक क्लियर है, 10,000 BC सर है, प्लीज़ क्लियर रखना, ये ऐसे लिख के आएंगी, मैं भी लास्ट में क्वेश्चन लिखवाऊंगा थोड़े ऐसे लिख के आएगा, पता है कैसे लिख के आता है, कि अभी तो बिल्कुल सही लग रहा है, जब लास्ट में लाइंस लिख के आएंगी ना ऐसे आएगा, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, पहला लिखा होगा अर्थशास्त्र इज कम्पोज, सेकेंड लिखा होगा अलेक्जेंडर इन्वेड्स इंडिया, थर्ड लिखा होगा द फिलोसफी ऑफ सांख्या इज गिवन। अभी तो सब मज़ा आ रहा है पढ़ने में, लेकिन तब जब ऐसी रिलेट नहीं होती ना चीज़ें, फिर सब उड़ जाता है लास्ट में, आप समझ रहे हो, इसीलिए क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट। अब इंडिया के मैप में तीन चीज़ें साइमल्टेनियसली चलेंगी, प्लीज़ फोकस रखना आप। पहली, साउथ इंडिया की हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, आप 300 BC 200 BC कह रहा हूँ, संगम एज, ठीक है। तो ये फर्स्ट पिक्चर चल रही है यहाँ पे, ठीक है, संगम एज चल रही है, चोला चेरा पांडे, मैं अच्छे से करवाता हूँ अभी, अभी हम 200 BC पे हैं, ठीक है, संगम एज स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। सेकेंड क्या चल रहा है, इस पोर्शन में इंडिया का सबसे अच्छा बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा एम्पायर आ गया, जिसका नाम है इसी टाइम 200 BC कह रहा हूँ, 150 BC टू बी प्रिसाइज,
मैं बता रहा हूँ अभी आपको, तीन पिक्चर्स ध्यान में रखो। इस सेंटर यहाँ पे कौन सा एम्पायर आया दोस्तों, कल भी बताया था मैंने, सातवाहनास। सातवाहनास ठीक है, समझ गए। और तीसरी जो चीज़ हो रही है इंडिया में नॉ इस एरिया में, वो है इन्वेजन्स। तो ये 200 BC जैसे ही तुम्हारे दिमाग में आए ना चीज़, 200 BC, तो तीन चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। नीचे संगम एज, जो कि शायद साउथ इंडिया की गोल्डन एज है, ठीक है, और ऊपर डार्क एज चल रही है, ऊपर डार्क एज चल रही है, ठीक है, ऊपर इन्वेजन्स हो रही हैं बैक टू बैक, क्योंकि 326 BC में अलेक्जेंडर ने इन्वेट किया और वो एक हिंट दे गया और फिर स्टार्ट हो गए। मैं अभी करवाता हूँ अरेंज आपसे सारे इंडो ग्रीक सारे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सातवाहनास, ठीक है। अब एक एक करके ये आप ऐसे कर लो ना, अभी तक ऐसे आ रहा था ना, अब 200 BC के बाद ऐसे स्प्लिट कर लेना, क्योंकि अब साउथ अलग चलेगा, सेंटर अलग चलेगा और नॉर्थ अलग चलेगा, ठीक है ना। अब कौन सा उठाएं पहले, कौन सा एरिया उठाएं, साउथ तो लास्ट में करेंगे, सेंटर का बिल्कुल थोड़ा सा तो बता देता हूँ आपको, ठीक है, ध्यान से सुनना आप। 200 BC पे थे अभी हम, 200 BC से 200 AD तक सातवाहनास का रोल चला, ऑलमोस्ट 350-400 साल। जो लेस इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज होती हैं ना, सातवाहनास, वकाटकास, आगे चल के आएंगे गंगास, UPSC इनका फाउंडर और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर के अलावा कुछ नहीं पूछता, कुछ नहीं पूछता। पर हैरानी की बात यह है कि लोगों को फाउंडर तक नहीं पता होता। दो बार इन्होंने पूछा सातवाहनास का फाउंडर कौन था, सिमुका था, सिमुका, और वो लोगों को नहीं पता होता। आप प्लीज़ ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, उसमें UPSC घुसती है कंसेप्ट पे, वो भी कंसेप्ट पे घुसती है कि हॉर्स का क्वेश्चन क्यों आ रहा है। मतलब आप ध्यान से सोचो, ऐसा क्या था हॉर्स में, ऐसा ये था कि अगर हॉर्स नहीं होता ना तो वो कभी इनको हरा नहीं पाते। ऐसा क्या है गन पाउडर में कि उस पर UPSC पड़ी हुई है, गन पाउडर नहीं होता तो वो बैटल के क्या कहते हैं, मतलब वे स्केल बदल जाता दोनों का। आर्मी तो जो नेटिव होते हैं उनके पास हमेशा ज़्यादा होती है ना, फुट सोल्जर्स किसके पास ज़्यादा होंगे, जो यहाँ से लड़ रहा है तो बाहर वाला कैसे हरा गया हमें, क्योंकि उसके पास कुछ अच्छी बेटर चीज़ और उस पर क्वेश्चन बनता है, समझ रहे हो। कल मैंने बताया था ओलंपिक्स का क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि 100-150 साल बाद पोस्टपोन हुई ओलंपिक्स, तो आना ही था, ठीक है ना। तो ये तीन हो गए, पहला सातवाहनास 200 BC से 200 AD कह रहा हूँ, और जैसे ही ख़त्म हुए तो वकाटकास, ठीक है, दो दो डायनेस्टीज सेंट्रल इंडिया में। अभी मैं कह रहा था 200 BC पे तीन पिक्चर चल रही हैं, ठीक है, आपने बोला था ना रिपीट, 200 BC के अराउंड इंडिया में तीन पिक्चर्स क्लियर रखो। साउथ में संगम एज स्टार्ट होने वाली है, हो गई है ऑलमोस्ट, सेंटर में सातवाहना स्टार्ट हो गए हैं, और नॉर्थ इंडिया की डार्क एज स्टार्ट हो गई है, क्यों, क्योंकि बाहर इंडो ग्रीक के इन्वेजन स्टार्ट हो गए हैं। इसका सबसे सबसे छोटा है कि इसमें बस आप याद रखो, सातवाहना जाएंगे, उसके बाद वकाटकास जाएंगे, इसके बाद ये नॉर्थ मिक्स हो जाएंगे गुप्ताज में, है ना, इवेंचुअली 300 AD कह रहा हूँ। नॉर्थ का आप सुन लो एक बार, सबसे पहला इन्वेजन नॉर्थ, सब पहला बंदा जिसने नॉर्थ इन्वेड किया था कौन था वो, यार 600 AD में इस्लाम आया, अलेक्जेंडर से पहले भी तो किया ना किसी ने, आया हुआ UPSC। मैं जो भी आपको बातें बोल रहा हूँ ना, सिर्फ प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है, फालतू मैं एक चीज़ नहीं बोलूँगा। सेलिकस निकेटर कैसे, वो तो एम्बेसडर था ना, वो अटैक क्यों करेगा, डेरियस ने अटैक किया था फर्स्ट बंदा, मैं बता रहा हूँ अभी, सबसे पहला जो बंदा था डेरियस था। अब मैं डेरियस बंदा, ये जो अटैक है ना, एक बार UPSC ने पूछा अरेंज द फॉलोइंग इंडो ग्रीक किंगडम्स जिन्होंने अटैक किया था, वो एक बार ऑर्डर लिख लो आप, एक बार बस लिखो, बैक्ट्रियंस, BACTRIANS, बैक्ट्रियंस, मैं लिख रहा हूँ, जैसे ये जो 200 BC के बाद अटैक स्टार्ट हुए ना, सबसे पहले किया बैक्ट्रियंस, ठीक है, इसके बाद आए साकास, इसके बाद आए कुशानास, हैं, हाँ सारे इन्वेडर्स हैं, ठीक है। हमारे काम का क्या है, हमारे काम का एक तो जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया डेरियस पहला, ठीक है, दूसरा काम का क्या है, ये बड़े यूनिक हैं, क्यों है यूनिक ये साकास, शाबाश। इंडिया में का जो ऑफिशियल कैलेंडर है ना, आज जाके देखना, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाना, कैलेंडर डाउनलोड करना, और नीचे शाका एरा, शाका संवत लिखा होता है, ठीक है,
यूपीएससी यूपीएससी ने जब पूछा, दो संवत है इंडिया में, विक्रम संवत, साका संवत। साका संवत इंडिया का संवत में कैलेंडर, इंडिया का ऑफिशियल कैलेंडर है। कब से स्टार्ट होता है वो? 78 AD। ये लिख लो चीज़, आया हुआ पी वाई क्यू है सब, ये पी वाई क्यू है। समझ रहे हो क्या है? साका जो आया ना जब इंडिया में, साका एरा एक चीज़ है, ठीक है। साका कैलेंडर 78 AD से स्टार्ट होता है। ठीक है, अटैक जो हो रहे थे, पहले बैक्ट्रियंस आए, फिर साकाज आए, और सबसे इम्पोर्टेंट कुशानास। ठीक है, कुशानास का सबसे मशहूर राजा कनिष्क। ठीक है, ठीक है, ये आप 200 BC के बाद इंडिया में क्या हो रहा है, क्लियर है ना पिक्चर? प्लीज बता दो। ये इम्बाइब्ड होनी चाहिए, खासकर क्रोनोलॉजी, उसके बाद तो यार रट्टा है। अब जैसे इसका इसका सोने का सिक्का होता था या नहीं होता था? एक और चीज़, इंडिया में पहली बार गोल्ड कॉइन इस एरा में आया, प्रीवियस ईयर है। फिर से जो जो मेरे को प्रीवियस ईयर याद आ रहा है मैं अभी बता रहा हूँ, ऐसे मैं लिखवाऊंगा। फर्स्ट टाइम इंडिया में सोने के ऐसे लिखा हुआ आया था प्री में, द गोल्ड कॉइन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाई, ऑप्शंस थे गुप्ताज, हर्षा, शायद इंडो ग्रीक्स, और ये तो इस बंदे ने पहली बार सोने के सिक्के इंडिया में इंट्रोड्यूस किए थे गोल्ड कॉइन्स, कुशानास। तो इंडो ग्रीक्स आंसर था उसका। ठीक है, कनिष्क पे क्वेश्चन पूछते हैं, काफ़ी पूछते हैं ये। तो अब ये 200 BC के बाद क्लियर है ना पिक्चर क्या चल रहा है? ठीक है, तो अब नीचे का तो मैंने आपको बोला पूरा अलग चलेगा, उसको हटाओ। अब ये दोनों बंदे, मतलब ऊपर की डार्क एज और सातवाहनास वकाटकास मर्ज होंगे वापस, कब? जब गुप्ता एज आएगी, 300 AD कह रहा हूँ। अभी अलग चल रहे थे ना, ऊपर डार्क था, नीचे सातवाहनास थे, अब गुप्ता एज मर्ज। गुप्ता एज का फाउंडर, हम कहाँ पे पहुँच गए अभी? 200 BC में मैंने स्प्लिट कराया ना, 200 BC में मैंने स्प्लिट कराया ना तीन में, फिर आप इसको 300 AD पे वापस मर्ज कर लो नॉर्थ इंडिया को। और फिर आ गई गुप्ता एज। कौन था गुप्ता का फाउंडर? श्री है श्री गुप्त। ठीक है, श्री गुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त, फिर बिंबिसार कहाँ से आ गए? समुद्रगुप्त नेपोलियन, बिल्कुल सही है। और फिर चंद्रगुप्त टू। अब गुप्ता में UPSC क्या पूछता है? एक तो वो तो पूछेगा कास्ट सिस्टम, वुमेन, वो सब पूछेगा, वो तो फिक्स है। और गुप्ता में अब ध्यान से सुनना क्या पूछता है चंद्रगुप्त टू। एक तो समुद्रगुप्त जो है ना, इसको क्या कहते हैं, नेपोलियन ऑफ इंडिया है ना, उसकी इन्वेज दक्षिण है ना, वो नहीं पूछता, पर लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं पूछता। UPSC क्या पूछता है हर साल? देखो, एक तो आता है क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन, एक आते हैं कंसीडर द फॉलोइंग, डैश वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ डैश, डैश वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ डैश। समझ रहे हो? जो इंडिया के मेन मेन स्कॉलर्स, पोएट्स, एकेडमिशियंस, मैथमेटिशियंस, एस्ट्रोलॉजर्स, इनकी कंपैरिजन कराता है। तो गुप्ता एरा में, अभी तक कर मिटा दूँ ना, मैंने आपको बोला कि 200 BC पे स्प्लिट हुआ, साउथ का अलग चलेगा, नॉर्थ वापस मर्ज कर जाएगा 300 AD में। ठीक है, अब मैं मिटा रहा हूँ सब ये, सिर्फ आप साका याद रखो। जब हम साका एरा पे नोट्स बनाएंगे ना कल परसों, फिर मैं करवा दूंगा। ऑफिशियल कैलेंडर इंडिया का इस साका कैलेंडर, ठीक है, 78 AD। ऐसे ही पूछ रहा हूँ, शायद कहीं मैंने देखा था, बताना ये वाला साल क्या चल रहा है साका कैलेंडर से। नहीं, आंसर दे दो ना। अंग्रेज कौन सा कैलेंडर मानते हैं, मतलब ब्रिटिश कौन सा कैलेंडर मानते हैं? ग्रिगोरियन, हाँ ग्रेगोरियन, 0 AD वाला, बता दो आंसर। अगर मैंने आपको बोला शाका एरा अगर 78 AD 78 AD से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे बता दो अभी शाका एरा के हिसाब, शाका कैलेंडर के हिसाब से कौन सा साल है, और आंसर देना कैसे करना है, हर बंदा निकालना एक बार। आया हुआ है, मैं कसम से फालतू चीज़ें एक नहीं बता रहा, आया हुआ है, कहीं मैंने देखा है ये क्वेश्चन, UPSC में ही तो कहीं और। हाँ, मैं ब्रिटिश का पूछ नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ आपको। हाँ यार 78 AD से अगर कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है, ठीक है, इनके अगर साका एरा 78 AD से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब 78 AD को जीरो जीरो साल मानते होंगे ना, तो 2022 को क्या मानेंगे? 2022 माइनस 78
ठीक है। वैसे एक 58 BC भी होता है, सुना होगा आपने 58 BC विंक्रम है ना, 58 BC का है वो, है ना, वो क्वेश्चन आया हुआ है। तो उसमें क्या करना था आपने, 58 जोड़ देने थे उस वाले साल में, उसका शायद आंसर 2062 था, 2004 में आया था शायद वो। हाँ जो भी आएगा मेरे को उससे, आप समझ रहे हो ना करते कैसे हैं, नहीं आया अभी समझ। देखो साका एरा 78 AD से स्टार्ट होता है, ये टाइमलाइन है, 78 AD से स्टार्ट हुआ साका एरा। अगर स्टार्ट हुआ तो इसके लिए ये ज़ीरो नहीं हो गया है ना, तो अब जब दो अभी साल चल रहा है 2022, तो 2022 के लिए क्या हो गया, माइनस नहीं करेंगे 78, समझ रहे हो। आगे चलें, ठीक है। अभी हम कहाँ पे थे, मर्ज हो रहे थे ना गुप्ता, ठीक है। क्या इतना डेप्थ में जाना ही नहीं था, मैंने भी पता नहीं क्यों पंगा ले लिया, ठीक है। करें हम, ठीक है, गुप्ता पे चलते हैं आप, ठीक है। गुप्ता में मैंने बोला एक तो वुमेन कास्ट और वो तो रखनी रखनी है, गुप्ता का फाउंडर बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गुप्ता में है नवरत्न, नवरत्न का कंसेप्ट आएगा गुप्ता में। इसके बाद ये ना, ये वाला जो प्रथा है ना नवरत्न वाली, ये अकबर लाएगा, फिर अष्ट दिग्गज बैठते थे मराठास में, है ना, हाँ साउथ में, फिर विजयनगर में भी 8 लोग बैठते थे। तो ये जो स्टार्ट होगी ना प्रोसेस 9 लोगों वाली, ये चंद्रगुप्त 2, देखो गुप्ता स्टार्ट किया श्रीगुप्त ने, फिर आया चंद्रगुप्त 1, फिर आया समुद्रगुप्त, फिर आया चंद्रगुप्त 2, ठीक है। तो UPSC का फेवरेट एरिया सुनते जाना आप, क्या क्या है। चंद्रगुप्त 2 के कोर्ट के 9 बंदे जो है ना नवरत्न, 100% फिक्स है कि उससे हर दूसरे साल क्वेश्चन आना है। एक दो मैं बता रहा हूँ आपको, बाकी आप देखना, गैस करो कौन कौन होगा। एक कालिदास, और गैस करो, वो तो पीछे रह गया। नवरत्न सुनने होंगे, सुनाते रहते हैं। बारामिहिर, बारामिहिर है, आर्यभट्ट है, तो दो फिक्स हुए अभी आगे। गैस करो यार, इंडिया के नवरत्न इतने मशहूर हैं ये चंद्रगुप्त 2 वाले। सुश्रुत और चाणक, सुश्रुत और चाणक पीछे रह गए हैं। पर वो नवरत्न में होगा, नवरत्न में होगा। अभी हम वही क्रोनोलॉजी करें, गुप्ता पे पहुंचे हैं, ठीक है। विष्णुगुप्त कौन है, विष्णुगुप्त उसी का नाम है चाणक्य का असली, आपको पता है। नवरत्न पता है, नवरत्न पता है, अकबर के नहीं चंद्रगुप्त के। करो गैस, थोड़ा तो जोर लगाओ। चाणक्य अब यार पीछे नहीं रह गया मौर्यंस के टाइम। ये क्वेश्चन आप यकीन मानोगे 2021 के प्री में उसने ये अरेंज, और जिसको इसके नवरत्न आते थे ना, सिर्फ ये आता था ना, ऑप्शन लिमिटेड होकर आंसर आता था। क्या जो 21 का प्री था, गैस तो करो, अभी 2 हुए सिर्फ। चलो ये एक और चीज़ पूछ रहा हूँ, गुप्ता एज को गोल्डन एज कहते हैं ना, है ना, इस और फेमस इसलिए है क्योंकि एक कॉइन, गुप्ता का कॉइन अभी भी म्यूजियम्स में बड़ा मिलता है, वीना वाला, बताना वो कौन से राजा था। वो हर साल देखा है, वो वीना बजाता हुआ समुद्रगुप्त ही था, ठीक है, उसको मतलब उसकी। और एक और जो अभी पिछले दिनों आया था, देखो कैसे रिलेट होती हैं चीज़ें, 2021 के प्री में 2 क्वेश्चन आए थे। पहला आया था चंगेज़ खान, जब चंगेज़ खान इन्वेड कर रहा था तो इंडिया में कौन बैठा था, इल्तुतमिश था, वो करते हैं अभी। और सेकंड ऑप्शन था कि जब हूंस इन्वेड कर रहे थे तो इंडिया में कौन बैठा था, ये बंदा था। 3 थे, कुमार गुप्त तो वो है नालंदा वाला,
इसके बाद आएगा ना कुमार गुप्त, तो इन्होंने ही तो नालंदा को पैटर्निज दी है। मैं आपको अभी, मेरा पॉइंट वो नहीं है कि आपको एक चीज़, मेरा पॉइंट है कि देखो जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स होते हैं ना हिस्ट्री के, उन वही पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई बंदा आइसोलेशन में ये पढ़ रहा है गुप्ता एज ख़त्म कर दिया, फाड़ याद फाड़ के फेंक दिया, फिर उसने खोला हून इन्वेजन और रिलेट नहीं की ना चीज़ें, तो नहीं होंगे क्वेश्चन सॉल्व। आप मैं लिख के दे दूँ आपको, ठीक है, रिलेट होगी, इसीलिए क्रोनोलॉजी की सीक्वेंस। आज ये जो आप बना रहे हो ना, जब भी, अब मैं कल से कुछ भी स्टार्ट करूँ तब तुम भी कभी करंट पढ़ो, तुम्हें वापस इस पेज पे आना कि यार ये साल क्या चल रहा था। और आज जो मैं वीडियो डाउनलोड करवाऊँगा वो देखनी है, 10-20 बार देखो, देखो उसको कि मैप कैसे बदल रहा है इंडिया का। तुम्हारे दो क्वेश्चन सॉर्टेड है 100% क्रोनोलॉजी के, ठीक है। हुन्स ने इस टाइम इन्वेट किया है, नवरत्नास इसके फेमस हैं, और बाकी सोसाइटी इकोनॉमी पॉलिटी वगैरह तो है ही, ठीक है, वो तो हम करेंगे जब करनी होगी, ठीक है। कुछ डाउट है तो बताओ, कौन थे आप बताओ, हुन्स ने क्या किया था। इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज को डिस्ट्रॉय किया ना, किसको किया है? इंडिया का मैप हटा दिया ना मैंने, हाँ ये है ना हुन्स। देखो पहले इंडिया में कोई भी आता था वो कहाँ से आता था? खैबर पास से, है ना। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, उसको डिस्ट्रॉय किया था। हुन्स घुस नहीं पाए थे इंडिया में, समझ रहे हो ना आप, किस तक्षशिला को, ठीक है, तक्षशिला को किया था। और नालंदा को किसने किया था, ठीक है। हुन्स डिस्ट्रॉय, तक्षशिला की डिस्ट्रक्शन की डेट तुम्हें पता चल गई, ये चल रहा है ऑलमोस्ट 400 AD। और नालंदा कब डिस्ट्रॉय होगी, 600 में, हाँ ठीक है ना। ये सब चीज़ें याद रखनी होती हैं, मतलब रिलेट करो चीज़ों को। अभी मैं तुम्हें जाते जाते क्वेश्चन दूंगा ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा, डिस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा, कंस्ट्रक्शन ऑफ तक्षशिला, डिस्ट्रक्शन ऑफ तक्षशिला, ये भी ना हो तुमसे, समझ रहे हो। इसीलिए बिल्कुल अभी फ्लैट फ्लैट चलो, फिर बोल रहा हूँ, इसके टाइम हुन्स आए थे, और हुन्स ने किसको डिस्ट्रॉय किया, इंडिया की सबसे मतलब फेमस यूनिवर्सिटी उस टाइम पे, तक्षशिला, ठीक है। आजकल ना ये सुना होगा आपने, कोर्सेरा चलाता है आपने से कोई, कोर्सेरा, यूडेमी, नहीं, ओपन स्कूल का कंसेप्ट पता है ना, कि आपने बस सर्टिफिकेट ले लेना, मतलब स्कूल ऑफिश वैसा कुछ इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है। UPSC ने 2017 के प्री मेंस में पूछा, तक्षशिला और नालंदा को कंपेयर करो, सबसे बड़ा कंपैरिजन यही था, जितना इंस्टीट्यूशनल वो था ना, उसमें गार्ड्स तक के इंटरव्यू होते थे नालंदा में। अगर आपको गार्ड भी लगना है ना तो भी इंटरव्यू है, और इसमें अगर आप प्रोफेसर तो भी, मतलब बिल्कुल जिसको टेन्योर सिस्टम कहते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, मतलब बिल्कुल वैसा था नॉन प्रोफेशनल, जैसे आजकल फॉरेन में है, वापस स्टार्ट हो गया ना कि टीचर ना अटेंडेंस लेते हैं ना कुछ लेते हैं, ये सबसे फेमस ओपन स्कूलिंग टाइप था ये तक्षशिला, ऐसे ही बता रहा हूँ। हाँ प्रोफेसर, स्टूडेंट नहीं, हाँ 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 ठीक है। तो गुप्ता एज का चल गया पता आपको, एक तो सोसाइटी इकॉनमी पॉलिटी करनी है, वो तो सबकी करनी है हमने, पर करेक्टरिस्टिक फीचर एक ये है नवरत्नास, एक यहाँ पे वीना कॉइन समुद्रगुप्त, ठीक है, और एक वो जो साइड पे चल रहा है, ठीक है ना, वो जो हून की इन्वेजन हुई है ये। अब हम कहाँ पे पहुँच गए, ऑलमोस्ट 600 AD, ठीक है, 600 AD पे गुप्ता ख़त्म हुआ। इसके बाद आता है इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में एक और इम्पोर्टेंट रूलर जिसका नाम था, क्या नाम था, गुप्ता के बाद कौन आता है नॉर्थ इंडिया में, हर्षवर्धन, बिल्कुल सही है, 600 AD में आएगा हर्षवर्धन। ठीक है, फिर से वुमेन, कास्ट, वो सब तो करना ही है, करेक्टरिस्टिक फीचर सुनो आप एक एक पॉइंट। हर्षवर्धन एक चीज़ के लिए मशहूर है, एक चीज़ के लिए सिर्फ, हर साल UPSC वो पूछता है, वो है ह्यून सांग की विजिट। और वो इसलिए मशहूर है क्योंकि वो बेचारा जब आ रहा था तो उसको लूट शूट लिया था, ठीक है, ह्यून सांग, मतलब कंगाली हो गई थी उसकी। वो करेंगे हम अच्छे से, दो असेंबलीज होती थी, प्रयाग असेंबली और कौन सी, अलाहाबाद असेंबली, और दूसरी कौन सी थी, कन्नौज असेंबली, तो इन दोनों में ह्यून सांग गया था। आपको मेरे को ये बताना है, ह्यून सांग का तो मैंने बता दिया, फाहियान कब आया था, आ चुका है वो इससे पहले, है ना, ये सब मैं बीच में चीज़ें जो छूट गई ऐसे ही मैं बता रहा हूँ। UPSC अगर हर्षवर्धन से क्वेश्चन पूछेगा
है ना, तो 80% चांस है कि वो ह्यून सांग की विजिट से रिलेटेड है, सबसे लैंडमार्क इवेंट है इस टाइम का वो, ठीक है। ठीक है, सेकंड अगर हर्षवर्धन से क्वेश्चन आएगा तो वो किस पे आएगा, मैंने कल आपको बताया था नीलो पिटू, इसकी डायरी अरेंजमेंट सिस्टम होता था एक नीलो पिटू। 2021-2020 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया, द टर्म हुंडी विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री रेफर्स टू, सीधे आंसर था उसका सी, सी था उसका आंसर, वो नोट्स थे, करेंसी नोट्स होते थे जिसमें मीम नहीं चला था कैंदी हुंदी सी, ऐसे उसका सी आंसर था, तो उसका आंसर था नोट्स। अब क्या था, अगर आप ऑप्शन एनालाइज, मैंने आपको कल बोला था कि ऑप्शन एनालाइज किया करो, ए ऑप्शन में पता क्या लिखा था, ए डायरी मैनेजमेंट सिस्टम यूज इन हर्षा पीरियड, और वो पता किसकी लाइन है, वो नीलो पिटू होता है, किसी भी साल छपा होगा ये पेपर में, नीलो पिटू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री रेफर्स टू। और क्योंकि अब यूपीएससी को ये पता है ना कि हमने ये लाइन छापनी है, ऐसा ही होता है। मैंने कल आपको बताया था 64 योगिनी मैंने एक बार प्रेडिक्ट किया था, और इस साल 64 योगिनी पेपर में छपा था, यही करते हैं वो। 5 साल के पेपर के तो आपने ऑप्शन तक रट जाने हैं, ऑप्शन तक, और जो 10-15 साल के हैं वो प्रीवियस ईयर करने हैं, ठीक है। तो ये ह्यून सांग की विजिट, नीलो पिटू और सोसाइटी इकोनॉमी, एक और इसकी बड़ी मशहूर है ब्रूटल पनिशमेंट्स, ब्रूटल पनिशमेंट इसकी बड़ी मशहूर थी, तो वो सब मैं सोसाइटी इकोनॉमी पॉलिटी में करा दूंगा। याद रखना हर्षवर्धन करते टाइम सारा फोकस आपका होना चाहिए ह्यून सांग की विजिट पे, ठीक है। और ह्यून सांग क्या क्या, प्रयाग असेंबली और कन्नौज असेंबली, ठीक है, ये दो में ह्यून सांग था। जैसे ही ह्यून सांग वापस गया ना इसके टाइम पे, तो उसने वहां जाके बताया, एक बंदा फिर आया आई सिंह, ITSING, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ऑप्शन में आया हुआ है प्री में, ठीक है। आपको टाइमलाइन पता होनी चाहिए इन सब विजिटर्स की, जिस दिन ये इंडिया पहुंचा उस दिन बेचारा ये मर गया हर्षवर्धन। तो आपको ये तीन तो अब पता चल गया ना ट्रैवलर्स, क्या क्या, फाहियान चंद्रगुप्त के टाइम, ह्यून सांग हर्षवर्धन के टाइम, तो जब वापिस जाएगा तो आई सिंह आएगा, और फिर वो भी तीन आपको पता चल गए। तो हर्षवर्धन के एरा में आपको ये याद रखना है, ठीक है। हम कहाँ पहुँच गए अभी, ईयर बताया करो, ईयर 700 AD, 700 साल है ना, 700 AD पे पहुँच गए हैं। अब स्टार्ट होगा इंडिया का फर्स्ट ट्राइब, मैंने आपको कल बताया था इंडिया में दो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल्स चल रहे हैं, साउथ का नॉर्थ का, साउथ वाला तो मैंने अलग कर दिया, वो करवाऊंगा अभी, नॉर्थ का ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल सुनो अब। जैसे ही हर्षा का खत्म हो, हर्षा कैपिटल क्या थी, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, हाँ गुप्ता की कैपिटल क्या थी, हर्षा मौर्यंस की क्या थी, कल करना है हमने मौर्यंस के लिए, तो 2 दिन रखे हैं, शाबाश। हर्ष गुप्ता की कन्नौज असेंबली करता था, शिफ्ट हो गई, मथुरा भी थी, ठीक है चलो करते हैं। अब सुनो इंडिया की 700 एडी के बाद इंडिया नॉर्थ इंडिया में ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्लिक्ट होगी, हर्षा कन्नौज असेंबली बुलाता था ना, ठीक है। तो अब कन्नौज प्लेस ऑफ पावर बनेगा, तीन डायनेस्टीज लड़ेंगी इसके लिए, 1, 2, 3, तीसरी वाली मैं साउथ में लूँगा, नाम है इनका गुर्जर प्रतिहारास, पालास, राष्ट्रकूटास, और ये पॉइंट है जिसके लिए लड़ रहे हैं, क्या नाम है इसका, कन्नौज। ये लड़ाई चलेगी कब तक, ऑलमोस्ट 600-700 पे रुके हैं ना, 700 से आप 900-950 AD कर लो, ठीक है, क्लियर है ना ये पॉइंट। ठीक है, पालास, गुर्जर प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, ठीक है। पालास यूपीएससी का फेवरेट है मेंस में, क्योंकि जितना कंट्रीब्यूशन पालास ने बुद्धिज्म को दिया ना इंडिया में, उतनी शायद और किसी मौर्यंस ने दिया था अपने टाइम, पालास ने बहुत दिया है। उसके बाद पालास ने रिवाइव किया बुद्धिज्म को जब ऑलमोस्ट बुद्धिज्म डेड था, ठीक है। क्यों डेड था वैसे इस टाइम बताओ, इस टाइम एक बंदा पिक्चर में आ चुका है 800 AD के अराउंड इंडिया में, और वो रिवाइव कर रहा है हिंदुइज्म को घूम घूम के थ्रू आउट इंडिया, आदिशंकर, शंकराचार्य टेम्पल, ठीक है ना, वो हिंदुइज्म रिवाइव कर रहे हैं, तो फिर पाला डायनेस्टी बुद्धिज्म रिवाइव करेगी, ऐसी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये चल रहा है 700 से 900 AD, ठीक है। अब नॉर्थ इंडिया में 900 AD के बाद क्या स्टार्ट हो जाएंगे, इन्वेजन। ऐसे तो फर्स्ट इन्वेजन 712 AD में हो गई है, पर 900 AD के बाद अब स्टार्ट हो जाएंगे इन्वेजन्स,
अब वो स्टार्ट कर रहा हूँ, पहली इन्वेजन, बड़ी इन्वेजन, गजनी करेगा या गोरी, सोच लो। गजनी, गज, अब मेरा अगला क्वेश्चन है, गजनी, गजनवी एम्पायर बना था ना, गजनी जो प्रोविंस है किस कंट्री में है? न्यूज़ में था अफगानिस्तान, जब अफगानिस्तान का चल रहा था ना तब गजनी वो डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ में थी। पहला करेगा गजनी, सेकंड गुरीद, ठीक है, इसी के फिर आएंगे समझ गए। और ये मैंने कहाँ से, ये स्टार्ट हुआ 1020 AD में, और ये कब हारेगा, 1527, 1527, तो ऊपर का ये पूरा दिख गया, अब आगे के 500 साल, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ दिल्ली, इनका अगर आएगा क्वेश्चन तो कैसा आएगा, अरेंज करवाएगा वो आपसे इनकी बैटल्स, ठीक है, वो पूछते नहीं है, ये कभी नहीं आएगा कि किस टेम्पल पर किसने अटैक किया, ऐसा नहीं वो पूछेंगे। इनका सुनो अब, दिल्ली सल्तनत का क्या आएगा, पहले आपको 600-700 AD का आएगा, क्लियर है, नॉर्थ इंडिया 700 के बाद मैंने बोला ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, छोटे छोटे इन्वेजन अभी भी स्टार्ट हो गए हैं यहाँ से, पर ये वाला इंडिया में कभी भी बड़ा इन्वेजन हुआ वो कहाँ से हुआ, खैबर पास से, याद रखना खैबर पास, खैबर पास प्लीज़ याद रखना, यहाँ से छोटे इन्वेजन, आप समुंदर के रास्ते कितनों को पार करवाओगे, डेजर्ट कितनों को पार करवाओगे, खैबर पास में आप आराम से पास करवा सकते हो, ठीक है। तो पहला इन्वेजन जो बड़ा होगा गजनी, फिर गुरी, गुरी के स्लेव आ गए, स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी का पहला बंदा कौन था, ठीक है, फिर खिलजी, ठीक है, ये अब इनमें सुनो अब क्या आता है, मतलब ये इनसे नहीं आएगा ज़्यादा, दिल्ली सल्तनत में बता रहा हूँ फोकस एरिया का रहेगा, बता रहा हूँ अभी क्या, गुरीद, गोरी, हाँ मामलुक, हाँ क्या लोदी, ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत में ध्यान से सुनना क्या क्या था इम्पोर्टेंट, क्या क्या है, पहले स्लेव, खिलजी, ठीक है, कभी भी यूपीएससी तो आपसे ये नहीं पूछने वाला कि आप अरेंज वरेंज कर दो, केएस में पिछले साल पहला क्वेश्चन यही था कि अरेंज कर दो, उन्होंने पर इनके घुस घुस के पूछे थे, अलाउद्दीन पूछा था, रजिया सुल्तान पूछी थी, यूपीएससी क्या पूछेगा वो बता रहा हूँ। अब इंडिया में इस टाइम पे एक कुछ चीज़ें स्टार्ट होंगी, ठीक है, पहला क्या स्टार्ट होगा, मुगल आर्किटेक्चर, ठीक है, 100% क्वेश्चन आता है उससे, तो पहला चीज़ मुगल आर्किटेक्चर, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, इस्लामिक आर्किटेक्चर, ये चीज़ स्टार्ट होगी, इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है, जैसे चोर मीनार देखा है ना, वो सब चीज़ें जब हम आर्ट एंड कल्चर में आर्किटेक्चर पढ़ेंगे ना तो आप देखोगे इस्लामिक आर्किटेक्चर में कुछ फीचर्स होते हैं जैसे कि डोम, ठीक है, आर्कवेट, ठीक है, और आरबेस्क्यू टेक्निक, ये सब चीज़ें, तो ये सब ये अलग, ठीक है। और अब सेकंड चीज़ इससे क्या आती है, किसी रूलर ने कुछ लैंडमार्क काम किया होता है बड़ी बार, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फिरोज शाह तुगलक जो है वो फेमस है कनाल सिस्टम के लिए, ठीक है, एक तुगलक और है जो फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स के लिए मशहूर है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी मशहूर है किसके लिए, मार्केट रिफॉर्म्स के लिए, ठीक है। अब ये सब चीज़ें ऐसे नहीं आएंगी, मार्केट रिफॉर्म्स वो ऐसे लिख के देगा कुछ कीवर्ड में, मैं भी बोल रहा हूँ ऑफिस का नाम लिख के देगा, ठीक है, और वो बोलेगा ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, वो सब वैसी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब एक दाग एंड चेहरा सिस्टम होता है ना, तो वो किसने, ये सब आपको ये पूरी डायनेस्टी एडमिनिस्ट्रेशन के परस्पेक्टिव से पढ़नी है, ठीक है, समझ रहे हो बात। और इंडिया में आपको ना लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम होते हैं कुछ, मनसबदारी जागीरदारी हो गया, ठीक है, एक इनका सिस्टम था, अब इकता सिस्टम, इकतादारी, ठीक है। वैसे जो बिल्कुल लैंडमार्क इवेंट्स होते हैं ना वो पढ़ना है, कौन किसका बच्चा था, किसने किसको मारा, वो सब नहीं आएगा। मैंने आपको बताया ना कॉन्टेक्स्ट में अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इल्तुतमिश जब होगा तब चंगेज़ खान अटैक करेगा, ये चीज़ें पता रहनी चाहिए आपको। अब बताना इल्तुतमिश यहाँ कहाँ आएगा, इल्तुतमिश को क्या कहते हैं, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, क्यों कहते हैं,
कुतुबुद्दीन स्लेव था ना, है ना। और क्यों कहते हैं रियल, क्योंकि फर्स्ट टाइम कैलिफ ने शायद एक्नॉलेज किया था उसको, इनको नहीं किया था जो ऊपर के थे इससे, इल्तुतमिश के ऊपर के, ठीक है। और कैसी चीज़ें आती हैं, कभी कभी बड़ा रेयरली वो पूछ लेगा कि जो कुतुब मीनार है उसमें कौन कौन एसोसिएटेड है, तीन लोग तीन डायनेस्टीज ने बनाए, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप इन पे नहीं फोकस करना ज़्यादा, इन पे जैसे लोग ये रटते रहते हैं रज़िया सुल्तान का लड़का, मतलब लड़का बोल रहा हूँ, मतलब उसको किसने कहाँ मारा, वो सब कभी भी नहीं आएगा। बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजिक चीज़ों पे फोकस रखना है, ठीक है। और जब केएस का पेपर होगा तो मैंने आपको बोला है थीम्स टू है ना, जो थीम्स टू मुगल जिसमें पूरी ये लास्ट के जो उसके थीम्स हैं वो रट्टा लगाना है उस टाइम, यूपीएससी में वो उससे कुछ नहीं आना, ठीक है। तो कैसी चीज़ें आनी है आपको पता है क्या, ये किससे हारा कब, ठीक है, 1500 26 मेरे साथ, सॉरी मैंने 27 बोला था पहले, 26 में, ठीक है यार। ये बड़े अब ना ध्यान से सुनना, 1526 में ये हारा, कौन आया पिक्चर में, बाबर, ठीक है, ध्यान से सुनना। इंडिया का मैप मैंने फिर मिटा दिया ना, ठीक है। 1526 में यहाँ पे हुई है बैटल ऑफ पानीपत, 1529 में एक बड़ा लैंडमार्क इवेंट हुआ जो मैंने अभी एम्पायर स्टार्ट नहीं किया है, मैंने अभी एम्पायर वो आपको पढ़ाया नहीं है, पर 1529 में एक इंडिया का बड़ा फेमस राजा मरेगा। और ये क्यों मैं बता रहा हूँ, फिर से प्री में उन्होंने अरेंज करवाया था। 1526 में लोधी हारा ना किससे, बाबर से। 1529 में एक बड़ी लैंडमार्क चीज़ हुई है, नहीं बैटल हुई है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल हुई और इंडिया का शायद लास्ट मेजर आप वो कह लो, बड़ा फेमस है वो, राणा सांगा वांगा तो पहले नहीं पढ़ चुके हैं, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि वो डायनेस्टी भी मैंने स्टार्ट भी नहीं की है। कृष्ण देव राय, KDR, विजयनगर एम्पायर, अच्छा नॉर्थ में सोच रहे थे क्या, 1529 में उनकी डेथ होगी। मैं विजयनगर अभी करवाऊँगा, साउथ का मैंने छोड़ा है ना वो करवाऊँगा, ठीक है। और 1530 में बाबर मर गया, और ये क्वेश्चन छपा हुआ था बहुत पहले। तीन इवेंट्स लैंडमार्क है, देखो चार साल में कितने बड़े बड़े इवेंट्स हो गए, 26 में लोधी हारा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, 29 में KDR मर गया, और 30 में बाबर मर गया। बाबर बस चार साल रहा था बाबर पे, ठीक है ना, समझ रहे हो। ऐसी जो की जब ऐसी पास पास चीज़ें आती हैं ना तो वो पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये ख़त्म हो गया, इसके बाद कौन आएगा, अरे कोई भी एक बंदा पूरी मुगल लीनियज बताना, फिर इनमें क्या रहेगा, हैं? हाँ वो आएगा, आएगा यहाँ आएगा इसके साथ, हेमू, पहले आप देखो अब इन पे क्या फोकस रखना है, ठीक है। इन सब पे आर्किटेक्चर प्राइम इंपॉर्टेंस पे रहेगा हमारा, ठीक है। सेकंड लिखते चलो ये चीज़ें, एडमिनिस्ट्रेशन इनकी, जागीरदारी मनसबदारी ये सब चीज़ें प्राइम हम रखेंगे, पेंटिंग्स इनकी, कल्चर में भी मैंने इनके दिन रखवाए अलग अगर आपको पास टाइम टेबल होगा तो, ठीक है। और मुगल्स का क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पूछता है, अपने पी वाई को कभी तो देखे होंगे, यूपीएससी मुगल्स के पीछे आप पढ़ चुका है, क्योंकि अब इस साल प्री में चार आए थे मॉडर्न के सिर्फ, बाकी ये पीछे घुस चुके हैं। और क्या क्या पूछता है, रीज़न वो तो मेंस में है ना, ऐसे क्या पूछते हैं, हाँ प्री का सिर्फ, हाँ सॉरी क्या क्या पूछते हैं, याद रखना आर्किटेक्चर पे प्राइम फोकस रहे, आर्किटेक्चर हर साल, मैं आपको हर साल के साथ क्वेश्चन भी बता दूं। 2018 में आया गोल गुंबद, ठीक है, 19 में आया मैं भूल गया, 20 का ही भूल गया, पर हर साल एक आर्किटेक्चर पे आता है, इस्लामिक आर्किटेक्चर पे, ठीक है। मतलब कुछ भी पूछ लेंगे वो, जैसे फॉर एग्जांपल ये पूछ लेंगे कि जो रेक्टेंगुलर पैटर्न, जैसे हर है ना चार बाग वो कौन लाया, ऐसे पूछ लेंगे, किसने किस, जैसे बड़ी बार होता है ना ऐसे पूछता हूँ, हर एक बंदा एक ऑटोबायोग्राफी लिखता था ना, बायोग्राफी लिखी गई है सिर्फ, हाँ और जहांगीर ने, अकबर ने, ठीक है। और आजकल क्या पूछने लगे हैं ये,
एडमिनिस्ट्रेशन लिखा ना, एडमिनिस्ट्रेशन तो करेंगे इनकी, अच्छे से करेंगे, ठीक है। और ऐसा है कि अकबर के जो आगे रतन थे वो भी पूछते हैं, ठीक है। अकबर कब आया पावर में? 1500 बोलो बाकी लोग। 1600 बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ठीक है, एक चीज़ और आप याद रखना, यहाँ पे लिख लो, जो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स होते हैं ना, अकबर, पिछली वाली में अलाउद्दीन खिलजी था, इनके आपको एग्जैक्ट ईयर्स आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? क्योंकि स्टेटमेंट्स आती हैं, कबीर वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, गुरु नानक वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, तो फिर ये आनी चाहिए आपको, ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं पेपर में। पर ये ऐसे कभी नहीं आएगा जहांगीर वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ कबीर, नहीं है जहांगीर इंपॉर्टेंट तो नहीं आना चाहिए, पर अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, है ना, इन सब के आपको एग्जैक्ट बर्थ डेथ ईयर्स पता होने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही पूछ रहा हूँ गैस के लिए, क्यों? क्योंकि लास्ट सैटरडे तुलसीदास जयंती थी ना, तुलसीदास का गैस करना ईयर ऑफ बर्थ एंड डेथ। तुलसीदास क्यों मशहूर है, क्या किया उन्होंने? शाबाश, तुलसीदास जयंती थी पिछले शनिवार, अब अखबार नहीं पढ़ते, स्टोरी स्टोरी बाढ़ में जाए, करते क्या थे तुलसीदास? क्या एक 21 साल लगाए उन्होंने उस काम के लिए, वो तुम पोइट वोइट बनाए फिर रहे हो। अच्छा, बहुत बढ़िया, बोलो बोलो कुछ। महाभारत किसने लिखी है? एक बंदा बोलना, महाभारत किसने लिखी है? पक्का शोर है, ठीक है। रामायण किसने लिखी है? तो रामचरितमानस किसने लिखी है? हाँ, 21 साल लगे थे उनको, तुम कह रहे हो पोएट थे, पोएट तो थे, लेकिन अभी किसी किसी ना किसी न्यूज़पेपर में आया था पिछले, जब इनकी जयंती हुई ना, किसी लीडर ने शेयर किया था, तो ये क्या है, लिखने के बाद अखाड़े भी जाते थे, तो वो अखाड़ा बनारस में रिवाइव कर रही है अब गवर्नमेंट, इसीलिए न्यूज़ में था। तो ऐसी चीज़ें अगर आपने PYQ किए हो ना, आपको समझ में आ जाता है। जैसे उन्होंने पूछा था कबीर वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, वो छाप देंगे कबीर की जगह तुलसीदास, वो तुम पढ़ते रहना, पूरी ज़िंदगी पढ़ते रहना, कभी भी नहीं होंगे क्वेश्चन, कभी मिलेंगे थोड़ी है आपको बुक्स में। ये जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट रूलर्स वगैरह होते हैं, ये करके रखने होते हैं। ठीक है, मुगल्स का हो गया एक तरह से। एक दो और मैं आपको बता रहा हूँ, इसी टाइम पे जो, जैसे जब दिल्ली सल्तनत करवाई ना, तो उस टाइम में फेमस जो UPSC के बंदे हैं, एक तो वो रूलर्स हो गए आमिर खुसरो, ठीक है, उस टाइम का ही है, अल बरूनी, बड़े फेमस हैं ये, UPSC हर तीसरे चौथे साल इनको फेंक देता है। इनमें फेमस बंदे पता कौन चल रहे हैं, जैसे बताओ, अबुल फजल, और हाँ, और टोडरमल, वो तो सब आप अब इसी के घूम रहे हो ना। यहाँ पे सूफिज्म स्टार्ट हुआ है ना, तो शाबाश, ठीक है। तो ये सब है ना, ये आपको आइडिया रहना चाहिए इन चीज़ों का, ठीक है। गुरु नानक भी आएंगे यहाँ पे अभी पिक्चर में, ये क्वेश्चन भी आता है, आप प्रीवियस ईयर अभी हम करेंगे ना अगले कुछ दिनों में, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किस अप्रोच से पढ़ना है, वरना तो हो गई पढ़ाई, लगा लो जितने रट्टे लगाने हैं। आप अगर ये दिमाग में रखोगे कि मेरे को हर साल एक कंटेम्प्रेरी का क्वेश्चन फंसता ही है, तो क्यों ना मेन बंदों का तो मुझे ईयर ऑफ बर्थ और डेथ भी याद रहे, ठीक है। अब जैसे तुलसीदास का इतना न्यूज़ अभी आया, कौन तुलसीदास? चुंगा कब के चले गए? चुंगास कौन थे जिन्होंने मौर्यंस के बाद डिस्ट्रॉय किए थे स्तूपास? कब चल रही है वो कहानी? 200 BC में, और तुलसीदास 1400 AD में आए हैं। आप क्या कह रहे हो, कालिदास कह रहे हो? मालविका अग्निमित्रम वो कालिदास की है, और वो भी पर मौर्य चुंगास के नहीं है,
वो कब के हैं? वो गुप्ता के हैं, लेकिन कहानी वो शुंगास की है। ठीक है, ठीक है। इस बार कालिदास का क्वेश्चन आया था जेके एस के मेंस में, तो वहाँ पे जब मेंस का हो ना तो दो तीन किताबें आपको रटी रहनी चाहिए, मैं लिखवा दूंगा आपको सारी। ठीक है, ये क्लियर है, ये क्लियर है ना। अब मैं साउथ इंडिया पे खोल रहा हूँ, बस इसके वो नॉर्थ इंडिया का इतनी क्रोनोलॉजी थी, दो किंगडम्स रह गए, एक मराठास जो कि काफ़ी स्कैटर्ड है ना, मराठास जिससे नहीं आता क्वेश्चन, मैं ब्लंटली बोल रहा हूँ नहीं आता, आने को आ जाए किसी भी साल, पर क्योंकि इनकी इतनी कॉम्प्लेक्स है ना लीनिएज कि छोड़ो, मतलब करवा दूंगा। ये वाला है, हर साल छपा होता है पेपर, हर साल छपा होता है। तो विजयनगर जो है ना, इससे क्या क्या पूछते हैं, वो विजयनगर का थीम्स की एनसीईआरटी में चैप्टर है, थीम्स 1, 2, 3 मैंने बोली है ना, तो थीम 7 है ना वो विजयनगर पे है। ठीक है, विजयनगर एम्पायर 1336 में बना था। अब देखो यूनिक चीज़ क्या है, विजयनगर शायद दुनिया में छोड़ो इंडिया, भारत का अकेला एम्पायर है जो जहाँ पे राजा कहता था आई एम नॉट रूलिंग ऑन माई बिहाफ, आई एम रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई गॉडेस, जिनका नाम है पंपा देवी, जहाँ से हम्पी का नाम डेराइव हुआ। यूनिक चीज़ है, और यूपीएससी ने 3-4 बार छापी हुई है पेपर में। जो भी डिस्टिंग्विशेबल चीज़ होती है ना किसी डायनेस्टी की, वो पेपर में आती है, 100% आती है। ठीक है, अभी जो दशहरे की ये परंपरा है ना, दशहरा मनाते हैं है ना, कहाँ से स्टार्ट हुई बताओ? महानवमी डिब्बा फोटो बने आपकी एनसीईआरटी में, विजयनगर से स्टार्ट हुई, किसी भी साल खटक जाएगी, यूनिक चीज़ है, उनसे स्टार्ट हुई। और क्या यूनिक चीज़ है विजयनगर, अभी पूरा विजयनगर करेंगे, विजयनगर स्टार्ट हुआ 1336 में। बिल्कुल सही, हॉर्सेस वगैरह विजयनगर में नहीं थी, बिल्कुल सही है। तो विजयनगर की जो प्रॉस्पेरिटी थी ना वो भी बड़ी ज़्यादा थी, 336 में हरिहर और बुक्का ने स्टार्ट किया, ये सब करेंगे। ठीक है, एक तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो यूनिक वो गॉडेस के नाम पे करते थे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फिर से विजयनगर की जो आती है वो है उसके टेम्पल्स, वीरूपक्ष, विट्ठल स्वामी, और एक दो नाम आप भी बताओ, हम्पी में है ना ये सारे, एक दो मैं बता दिए, वीरूपक्ष, विट्ठल स्वामी और दुर्गा देवी, लॉर्ड खान। ठीक है, ये तो 100% आने हैं आपको पेपर में। तो भी जब हम ये करेंगे ना आपका क्या कहते हैं विजयनगर, तो आपका ये फोकस रहना चाहिए मंदिर और जो उनके करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। आपको पता है द्रविड आर्किटेक्चर होता है टेंपल्स में, एक है ना द्रविड आर्किटेक्चर होता है, तो द्रविडों वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग नॉर्थ इंडिया में क्या करते हैं कि सॉरी साउथ, नॉर्मल जो द्रविड आर्किटेक्चर होता है वो होता है मीनाक्षी टेंपल है, जैसे ये आगे ऐसे और यहाँ पे ऐसे। ठीक है, हाँ ठीक है। विजयनगर वालों ने क्या किया कि ये जो गेट होता था ना इसको भी इतना ही बड़ा बना दिया, इसको कहने लगे रायागोपुरम। ठीक है, तो यूपीएससी ने सीधे छाप दिया रायागोपुरम वेरी करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। ठीक है, समझ गए है ना, जो भी यूनिक चीज़ होती है ना किसी डायनेस्टी की वो पेपर में छपी मिलेगी, 100% मिलेगी आपको पेपर में छपी हुई, इस साल नहीं तो नेक्स्ट साल नहीं तो कभी भी। ठीक है, इनके मंडपम होते थे ना, मंडपास होते थे इसके आगे मंडपम, उन्होंने उसको कर दिया बहुत बड़ा, उसको नाम दिया कल्याण मंडपम, 2018 के प्री में छपा था कल्याण मंडपम, फोटो भी बना उस थीम्स में। ठीक है, तो ये विजयनगर लास्ट रहेगा हमारा नॉर्थ इंडिया का। अब साउथ छूट गया था ना वो मैं जल्दी से बता देता हूँ, नॉर्थ की पूरी क्रोनोलॉजी क्लियर है। पहले फ़ोन निकालो सारे लोग अपना, एक लिखना इंडिया चेंजिंग मैप ओवर ईयर्स। दिखाना है कौन सी आ रही है वीडियो मेरे को, एग्जैक्ट कीवर्ड्स नहीं। हाँ ये जो है ना थंबनेल ये दिखा दो, हाँ ये डाउनलोड करके रख लो, इसको जाके आज ऊपर वाली, हाँ चलाना, कितने क्या ड्यूरेशन थी उसकी, ड्यूरेशन 12 मिनट की वाली है ना, हाँ यही है, डाउनलोड कर लो इसको, इस वीडियो को ना नहीं हो नहीं क्यों, बार बार देख लेना वो, सेव कर लो, हाँ इसको आज जाके बार बार दे। और छोटी मोटी डायनेस्टीज होंगी ना जो इधर गंगाज है ना वो सब इग्नोर मारो, बड़ी बड़ी का तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने सातवाहनाज आपको कहीं बताए और आप कहीं कर रहे हो।
ठीक है, ये इस वीडियो को देखते रहो और इसको तो एंड तक देखना आपने। ये वीडियो इज इक्वल टू 2 मार्क्स के नाम से सेव कर लो इसको चाहे, ये वीडियो इतनी ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं साउथ स्टार्ट कर रहा हूँ जो हमने छोड़ा था 220 पे, याद है 220 पे अलग हुए थे, तो पहले सेव कर लो फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। करूँ साउथ का स्टार्ट कर रहे हैं, सिर्फ साउथ में क्या 220 से 200 AD संगम पीरियड गोल्डन एज। ऊपर मेरे को कोई भी बंदा आप में से सीक्वेंस बताओ जो अटैक्स की इंडो ग्रीक्स के, तीन जो इंडो ग्रीक्स ऊपर डार्क एज चल रही है ना इस टाइम, अटैक अलेक्जेंडर के बाद तीन डायनेस्टीज ने अटैक किया सीक्वेंस वाइज। सबसे पहले साकाज बैक्ट्रियंस, साकाज कुशानास, ठीक है, ठीक है ना। अब मान लो कल को, अभी मैंने पार्थियंस नहीं दिखाया आपको, मान लो कल को पेपर में पार्थियंस छपाओ तो कन्फ्यूज, डरना नहीं है, तुम्हें तीन आते हैं ना, तुम तीन को अरेंज करो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कम पढ़ो लेकिन उसको अच्छे से पढ़ो, इसलिए फ़ायदा होता है कम पढ़ने का, ठीक है। तुम्हें ये तीन आते हैं ना, ये तीन अगर आते हैं ना तुम्हारा आंसर आ जाएगा, तुम्हें चाहे पार्थियंस आते हो नहीं आते हो। वो ठीक है, एक साल आ गया तो कट ऑफ भी तो इस बार 85-86 ही जाना है, ठीक है। अब ये ध्यान से सुनना, संगम बता रहा हूँ, संगम, संगम वर्ड का मतलब क्या, संगम का मीटिंग, ठीक है, ठीक है। तो संगम तीन जगह हुआ था, तीन संगम हुए थे, MKM करवाऊंगा सारा, मदुराई कपड़ापुरम मदुराई, मीटिंग किसकी मीटिंग ऐसी पोएट्स की, ठीक है, गॉड्स आते, ठीक है ना। तो ऐसा था संगम एज मीटिंग थी, ठीक है। तो तीन थे, चेरास पांड्यास चोलास, चोलास चेरास पांड्यास। अब एक दो चीज़ें इसमें याद रखना क्या क्या करना है, ठीक है। पहली चीज़, क्योंकि ये पोएट्स की मीटिंग है ना तो आपको किताबों के नाम रटे ही होने चाहिए। EKS में आए थे इसी बार, इत्तु तो गई पट्टू दो किताबें, ठीक है, आई थी, ठीक है। किताबों के नाम रटे होने चाहिए आपको, मैं सारी लिखवाऊँगा, ठीक है। जैसे एक कोई किताब बड़ी फेमस इलांगोदिकल की है, तिरुकुरल तो तिरुवल्लुवर की है, ठीक है, और तोलकप्पियार की तोलकप्पियम, और एक शिल्पाधिकारम बड़ी मशहूर है। तो क्योंकि ये क्यों UPSC इसे ऐसे बुक्स पूछता है, क्योंकि संगम सिर्फ पोएट्स की असेंबली थी, तो बुक्स नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा। सेकंड जो UPSC इस पे फोकस रखता है वो क्या पूछता है बताओ, फेमस किंग्स कभी नहीं पूछता मेरे को, जो पोर्ट्स पूछता है वो, पोर्ट्स पूछता है कि किस, कौन सा पोर्ट किस डायनेस्टी के उसमें था, ठीक है। कोरकई और पुम्पुहार टोंडी मुसीरी सब लिखवाऊंगा मैं, तुम लिख लो पोर्ट्स मेरे को रटने हैं, लोकेशंस सबकी कैपिटल्स, और इन तीनों डायनेस्टीज का ना सिंबल्स थे टाइगर बो एंड एरो, तो ये फोकस रखना है आपको। प्लस वो तो चली, वो तो हमने हर एक में पढ़ना है, पॉलिटी कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, ठीक है। जैसे इस पूरी सोसाइटी का एक बड़ा करेक्टरिस्टिक फीचर था, जैसे मैं आपको गेस पूछता हूँ, एक ऐसी पूछता हूँ, फेवरेट पास्ट टाइम है ना, कोई पूछे गुप्ता एज में क्या था, क्या था गुप्ता एज में लोगों का फेवरेट पास टाइम क्या था, जैसे अभी पास टाइम क्या, ताश वाश खेल लेते हैं कहीं बैठ के, है ना, हैं, हाँ फ़ोन, बिल्कुल सही, सही बात है, फ़ोन ही है पास टाइम, ठीक है। इस डायनेस्टी का यूनिक फीचर क्या, इनका फेवरेट पास टाइम था पवा कुथू, मतलब क्या होता है वो, कुथू क्या है, अरे पपेट्री नहीं होती कुथू, है ना, अभी भी तो फेमस पपेट्री, इन लोगों का जो फेवरेट पास टाइम था वो पपेट्री थी, बड़ी यूनिक फीचर है ना किसी डायनेस्टी का, सुना आज तक पपेट्री फेवरेट पास्ट है इनका था, KOOTHU कुथू, धागे से करके नहीं ऐसे से देखा नहीं है, है ना, इसीलिए ये फेमस था। तो UPSC पूछता है, कोई भी आपको अजीब सी चीज़ मिले ना कहीं, उसको तारा बना लो, वो 100% छपेगी किसी भी साल पेपर में, यूनिक चीज़ है ना। बाकी सोसाइटी वगैरह इनकी अलग थी बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जांपल लैंड का भाई 5 तरह से डिवीज़न करते थे, लोगों का 4 तरह से डिवीज़न करते थे, वुमेन कैसी थी, कास्ट कैसी थी, वो तो अपने अलग से देखना ही है, ठीक है ना। तो फिर बोल रहा हूँ फोकस क्या रहेगा, अगर लास्ट दिन आप रिवाइज कर रहे हो, आपके पास 5 मिनट है कम रिवाइज करने के लिए, किताबें रिवाइज करो जल्दी से, पोर्ट्स देखो कहाँ कहाँ हैं, ठीक है, और पेपर देने चले जाओ। मैं बता रहा हूँ अगर अभी से इस परस्पेक्टिव से करोगे ना कि मेरे को 5 मिनट का, मैंने आपको कॉपी दिखाई ना सुबह, वो देखो संगम मैंने 2 पेज में लिखा है, 2 पेज में सिर्फ संगम लिखा है, और सारे क्वेश्चन उसमें से हो जाते हैं। ये KS में जो इस बार आया था ना 2 किताबें इसमें लिखी हैं,
अगर आएगा बाहर से तो फिर किसी को नहीं आता, वो इतना भी नहीं आता यार किसी को एंड तक, कितनी चीज़ें पढ़नी होती हैं, इतना भी नहीं आता किसी को एंड तक। तो अब बिल्कुल जब पोर्ट्स वो हर तीसरे साल, अभी आप कितना पढ़ लो आपको लास्ट में यही नहीं पता चलेगा, जब मैं लिख के दूंगा ना कि बताओ टोंडी पोर्ट कहाँ पे था, आपको समझ ही नहीं आना, फिर वहाँ टस्से लगाने हैं सिर्फ, कोई पॉइंट नहीं है ना। तो 280 तक संगमें चली, ठीक है, अब ये हटेगी, अब ठीक है, अब स्टार्ट, अब बेसिकली 280 के बाद इनका रूल आएगा, काला भ्रस रूल था एक, वो इनकी डार्क एज है। अब मैं तीन डायनेस्टीज रिवाइव करवा रहा हूँ आपकी, इधर एक ट्राइपार्टाइट ऊपर करी थी हमने स्ट्रगल, ठीक है, वो कब से कब, ईयर क्या था, हर्षा जब ख़त्म हुआ 700 से 950 तक ऊपर की टकना, इधर की ट्राइपार्टाइट सुनो आप, पल्लव चालुक्य और इसी के ऊपर ही इनके बाद राष्ट्रकूटा, ठीक है, समझ रहे हो, इधर की ट्राइपार्टाइट। और इसका ईयर क्या है, 980 तक, और कब से स्टार्ट हो रहा है, 350 से, देखो ना 280 में संगम एज खत्म हुई, 380 में हुई वैसे तो, ठीक है। फिर मैंने बोला इधर डार्क डार्क एजेस आए, इधर काला भरस रूल के, उसको 100 साल लगा लो, तो 400 से 850 तक तीन चीज़ों की लड़ाई चलेगी, पल्लवास, चालुक्यास, राष्ट्रकूटास। ये ऐसे लिखो, 200 BC से 280 तुमने क्या लिखा, क्या लिखा यहाँ पर, संगम एज, ठीक है। फिर मैंने बोला आपको डार्क एज आ गई काला भरस की, मान लो उसको 350 AD तक, ठीक है। फिर आएगी आपकी तीन डायनेस्टीज चलेंगी पैरेलल, क्या क्या, चालुक्यास, राष्ट्रकूटास, पल्लवास, ठीक है। और फिर ये तीनों में से एक निकलेगा कौन, इंपीरियल चोलास। अब मैं आपको इन सब का थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, यहाँ तक क्लियर है, संगम का मैंने बता दिया, UPSC किस पे फोकस करता है, इनका सुनो अब किस किस पे करता है, ये क्लियर रखना थोड़ी चीज़ें, क्या 350 AD काला भ्रस, KALABHRAS, इसको साउथ की डार्क एज कहते हैं, भ्रस पता नहीं क्या मतलब होता है यार, BHRAS, काला भ्रास जो भी, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है ना। अब इनका सुनो, ठीक है, पल्लव, सबसे पहले पल्लव आए, पल्लव मतलब क्यों फेमस हैं, UPSC क्या पूछेगा अगर पल्लव से पूछेगा तो, किसने हराने वराने का तो देखेंगे कि किसने किसको हराया था। पल्लव के तीन राजा थे, पल्लवास जो थे ना, इनका तीन मेन फेम बंदे थे इनके, नरसिंह वर्मन टू, ठीक है। राजे इंपॉर्टेंट नहीं है, एक चीज़ जो पल्लवों की सबसे इंपॉर्टेंट है, पल्लवों ने द्राविड आर्किटेक्चर स्टार्ट किया, मंदिर द्रविड कैसे बनेंगे वो पल्लवों ने स्टार्ट किया, ये लिख लो इस चीज़ को, लिख लो 100% छपी होगी किसी भी साल, पल्लवों ने साउथ का टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट किया। अब ये मैं आपको फॉर एग्जांपल ऐसे दिख रहा है आपको, ये इसे मेरा पूरा पल्लव है ना, पल्लव एज ये है बस, और इससे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। मैंने जैसे कैसे लिखा है, पल्लवास 300 AD से 800 AD, पहले ये रिवीजन हुई, फिर संगम के बाद कालाभ्रस आया, कालाभ्रस के बाद पल्लवास, के बाद इंपीरियल चोलास जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ये मोटा मोटा मैप, एक इनका फाउंडर लिख दिया, कैपिटल लिख दी, और नीचे वो सारे मंदिर लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, ख़त्म कहानी, इतना ही करना होता है, ठीक है। तो पल्लवास का मैंने फाउंडर वाउंडर मैं सब लिखाऊंगा, अभी मेरा पॉइंट क्या है, पल्लवास का भाई काला भ्रस से लेके मतलब 350 एडी से लेके 800 एडी तक, ठीक है। और एक करेक्टरिस्टिक फीचर कि इन्होंने साउथ इंडिया का टेंपल कैसे बनेंगे, द्राविड आर्किटेक्चर वो शुरू किया, ठीक है, समझ गए, उसकी स्टेजेस मैं आपको करवाऊंगा। मैंने आपको कल भी बताया था, मोदी जी जिनपिंग ममल्लापुरम में मिले थे ना, वो ममल्ला के नाम पर बनी, और ममल्ला किसका नाम था, नरसिंह वर्मन का, इनका एक राजा था नरसिंह वर्मन, उसको ममला का मतलब होता है तमिल में रेसलर, तो वो रेसलिंग करता था ना, तो इसीलिए ममल्लापुरम उसका नाम हो गया। तो ऐसे ही, ठीक है, एक ये पल्लव चलेंगे, इसके साथ इन दो की लड़ाई चलेगी, चालुक्यास राष्ट्रकूटास की। राष्ट्रकूटास किसके लिए मशहूर है, एक चीज़,
एलोरा केव्स के लिए, ठीक है। ये दो डायनेस्टीज में ये केव्स के लिए मशहूर है, जब भी क्वेश्चन आएगा तो केव्स के लिए आएगा, ठीक है। और फिर बोल रहा हूँ चालुक्य राष्ट्र, पल्लव में तो वो घुसते हैं बड़ी बार, राजों का पूछते हैं, इन दो में जब भी वो घुसेंगे ना, जैसे एक बार उन्होंने पूछा था तुम मेरे को बता दो राष्ट्रकूटा का फाउंडर कौन था, कौन दांतीदूर, बिल्कुल सही। तो इन ये क्योंकि लेस इंपॉर्टेंट है ना, उतने नहीं है। एक और चीज़ पूछता हूँ, बड़ी बार आप मीम देखा होगा एक पुलकेशिन टू का, वो बताओ पुलकेशिन टू किसका था, चलो क्या है राष्ट्रकूटा, चलो क्या इसका, ठीक है। तो ये वाली लड़ाई समझ आ रही है आपको, ये वाली जो ट्राइपार्टाइट है, ये हुई है हम्पी के लिए, ठीक है। हम्पी आई होल हम्पी ये सब एक ही है ना, वाटापी बादामी, किसकी, हाँ। और जब ये तीन खत्म होंगे तो इसके बाद कौन आएगा, इंपीरियल चोलास, जो इंपीरियल चोला का फाउंडर था कौन था, शाबाश विजयालय था, और वो फ्यूडेटरी होते थे पल्लवास के, ठीक है। तो इंपीरियल चोलास का अगर क्वेश्चन आएगा तो किस पे आएगा, मैंने कल भी बताया था नटराज, ठीक है, इनके मंदिर थंजावुर टेम्पल, मतलब इन सारी डायनेस्टीज के क्वेश्चन जो आएंगे ना वो आपके आर्ट आर्क, क्योंकि साउथ का आर्ट आर्किटेक्चर है ही इतना रिच कि वो ये पूछेंगे ही पूछेंगे, लड़ाइयों वाले नहीं पूछेंगे, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो साउथ इंडिया के क्वेश्चन अगर आएंगे तो ऐसे ही आएंगे आपको, इसको हम करेंगे अच्छे से। मैं आज जाने से पहले क्वेश्चंस करवाना चाहता हूँ, मतलब रिवाइज होंगी ना चीज़ें तो लिखना चार पांच क्वेश्चन। क्या, हाँ ले लो, पर एक रिस्क है, क्या फोटो तो खींच लो, पर कुछ नहीं मॉर्निंग बिल्कुल वैसे होंगे ना, फिर तुम जज नहीं करने लगो कहीं, मतलब ऐसे अपने निमोनिक बनाता है ना कोई बंदा, ठीक है। और कहीं फिर मैं इससे अच्छा ही लिखवाऊंगा, ऐसे मतलब इससे कम तो नहीं लिखाऊंगा। चलो लिखो एक बार क्वेश्चन, सारे आंसर अपने से करना, ठीक है, लिखना। और नोट नए पेज पे लिखना, ये डिवाइस मतलब ये पीछे नजर नहीं जानी चाहिए। अमंगस्ट द फॉलोइंग इवेंट्स Which one was the latest to happen? जितना मैंने पढ़ाया ना, हालांकि मैं अब जो चीज़ें करवाऊंगा वो जो क्वेश्चन लिखवाऊंगा वो मैंने पढ़ाया नहीं है, पर जितना पढ़ाया ना उससे डेराइव होके आ सकता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना आप। सबसे इनमें से सबसे मतलब लेटेस्ट कौन सा हो, लेटेस्ट समझते हो, जैसे गांधी मरे और 48 में, और इकोनॉमिक लिबरेशन का वही 91 में, तो लेटेस्ट कौन सा दोनों में से, हाँ वैसे इनमें से लेटेस्ट इवेंट कौन सा, मैं चार इवेंट लिखवा रहा हूँ अभी, लेटेस्ट टू हैपन लिखो। द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार बिगिंस, बिगनिंग ऑफ मतलब कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन, सेकेंड फर्स्ट इस्लामिक इन्वेजन इंटू इंडिया, फर्स्ट इस्लामिक इन्वेजन इंटू इंडिया, थर्ड द बर्थ ऑफ गुरु नानक, बर्थ ऑफ गुरु नानक, तीन लिख लिए। फोर्थ फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, थोड़ा सा दिमाग खुला रखना हो जाएगा। डी आपका क्या, एक मिनट एक मिनट, अब सबका आंसर देते जाओ। ए क्या था, एक मिनट,
पर मैं बता रहा हूँ सोचना कैसे होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। ए बताना ऑप्शन क्या था। ये तो 1200 का है, तो ये तो पक्की बात है कि पानीपत की लड़ाई, इसको काट दो, है ना, ये तो सब, ए तो किसी ने नहीं मारा है ना, हटाओ इसको, ठीक है। बी बोलो, ये तो 700 में हो गई है, मैंने बताया था ऐसे तो 1020 में, लेकिन फर्स्ट तो 700 में होगी गुजरात वाली, हटाओ इसको भी। ये भी बी भी किसी ने नहीं था ना, सी डी में कन्फ्यूजन, आपका बी था शायद, बी था, बी तो कैसे ही किया, बताओ कैसे किया। अच्छा नहीं नहीं मैंने समझाया था, जो सबसे बड़ी इन्वेजन हुई ना, सबसे बड़ी, वो किसने की, गजनी ने 1020 में, लेकिन मैंने बोला कि गुजरात के रास्ते तो वो 712 में ही आना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है, समझ रहे हो। तो बी भी किसी का आंसर नहीं था। अब तो बचा सी ओ डी, अब देखना दिमाग कैसे चलाते हैं पेपर में। पूरे साल, पिछले पूरे साल भारत सरकार ने गुरु नानक के 550 साल मनाए, मनाए ना, मनाए। अब करो, चलो मैंने ये हिंट दे दी, अब करो इसका आंसर निकालो। हैं बी या बी, डी, डी। गुरु नानक का बर्थ कब आया, ठीक है, ठीक ठीक, बिल्कुल सही, समझ गए कैसे करना। मेरे को कुछ नहीं बताया वैसे, चले आगे। फिर से लिखो एक और, इस बार वो केबीसी का जो फर्स्ट होता है ना, बीसीडी है, वो आपने खुद अरेंज करना है, ठीक है, लिखना 4 इवेंट्स फिर से। बर्थ ऑफ कालिदास, कॉम्पोजिशन ऑफ उपनिषद्स, फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा, सर्मन ऑफ बुद्धा, सर्मन SERMON, उपदेश SERMON, ठीक है, काला भ्रस रूल, रूल ऑफ काला भ्रस, KALABHRAS, सदर्न इंडिया वाला, आराम से करना, और जिससे मैं पूछूं वही आंसर देगा, पहले सारे अपने निकाल लो प्लीज, पीछे नहीं देखना नोट्स को प्लीज। हो गया आपका, हो गया, हो गया, हो जाना चाहिए अभी तक, हो गया, आप बताना, मेरे को याद नहीं है क्या थे, सबसे पहले क्या हुआ, 800 BC, 600 BC, शाबाश, 200 AD से 350 AD कालिदास, यही है ना सबका, पक्का ना, आपका बता दो एक बार, अरे चिल, मतलब आराम से बताओ आपका क्या था। हाँ तो अब वैसे आए भी, काला ब्रश हो चुका था जब ये आए, काला ब्रश मैंने कब कराया, अच्छा सॉरी, तो फिर नहीं होना चाहिए ना गलत। उपनिषद कब बने, वैदिक एज में बने होंगे ना, तो वैदिक एज खत्म कब हुई, 600 बीसी में वो खत्म हुई, तो बुद्धा आए, तो उपनिषद, बुद्धा, फिर काला ब्रश, फिर कालिदास, ठीक है।
एक और लिखना, अमंग्स द फॉलोइंग ऑप्शंस द वन हु वॉज नॉट ए कंटेम्प्रेरी ऑफ द अदर थ्री, इन चार में से एक बंदा है जो बाकी तीन का कंटेम्प्रेरी नहीं है, वो कौन है ये पहचानना है, ठीक है। द वन हु इज नॉट ए कंटेम्प्रेरी ऑफ द अदर थ्री इज, अब मैं दे रहा हूँ ऑप्शन, करें स्टार्ट, इल्तुतमिश, चंगेज खान, अलबरूनी, अबुल फजल। इजी हो गया ये थोड़ा ज़्यादा ही, अलबरूनी, वैसे शायद वो मर चुका था इससे पहले, पर मतलब फिर भी थोड़ा कंटेम्प्रेरी, बाकी वो तो बिल्कुल ही मैंने वैसे दे दिया। कंटेम्प्रेरी होते हैं जो दोनों जिंदा हों एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, समझ रहे हो, बुद्धा और महावीरा कंटेम्प्रेरी थे नहीं, ऐसे कंटेम्प्रेरी थे बुद्धा और महावीरा कंटेम्प्रेरी थे ना, महावीरा कौन, मतलब सिद्धार्थ और वर्धमान कंटेम्प्रेरी थे ना, एक कंटेम्प्रेरी बताना कोई अकबर का उसके कोर्ट के अलावा। हाँ जिसका लड़ेगा वो तो कंटेम्प्रेरी होगा, और कोई दूर का कौन, मैं समझा नहीं, अच्छा अच्छा हाँ रिश्तेदारियाँ तो कंटेम्प्रेरी होंगी, कोई और बताओ ना, दो तीन साल से ना यूपीएससी डंडिन डंडिन एक थे, क्या थे डंडिन डंडिन, ये सुना है ना ये बंदा था एक, क्या थे ये दो तीन साल से खटक रहा है पेपर में, डी एन डी आई एन, ऐसे भी आते हैं क्वेश्चन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, डंडिन वॉज ए ऐसे लिखा हुआ एस्ट्रोलॉजर ग्रामेरियन, क्या थे ये डंडिन, नहीं सुना ये, वैसे प्रीवियस ईयर तुमने कब के देखे हैं, कोई नहीं देखा ना कभी भी प्रीवियस ईयर, शाबाश ठीक है, क्या ये तो ग्रामेरियन थे, अमर वो जो नौ नवरत्न में बता रहा था ना जो नहीं करवाए थे, अमर सीमा, क्या लिखा अमर सीमा ने, अमर सीमा ने अमर कोशा लिखा, ठीक है, वी से पता नहीं, एक आप कह रहे थे पहले सुश्रुत और चाड़क, ये भी बड़े फेमस है ना ये भी यूपीएससी बार बार पूछता है, सुश्रुत ध्यान से, ऐसी ये सब पेरिफेरल नॉलेज है पर ये काम बढ़िया आएगी, क्यों, क्योंकि सुश्रुत भी फंसा हुआ था 2021 के प्रीलिम्स में, सुश्रुत जो थे ना वो सर्जरी करते थे या फिजिशियन थे, और चाड़क फिजिशियन, दोनों के ईयर्स बताओ मेरे को, सुश्रुत का ईयर बिल्कुल सही है, सुश्रुत का था बुद्धा के टाइम, इसीलिए वो इतनी उनकी रेवरेंस है, किसी बंदे की रेवरेंस ये करती है ना कि वो टाइम से कितनी पहले क्या कर गया, सुश्रुत बहुत पहले गए हैं, ठीक है। रुको एक दो क्वेश्चन और करते हैं, एक बार आप गो थ्रू करो, इतनी देर में क्वेश्चन सोच रहा हूँ, टाइमलाइन को गो थ्रू करो, ऐसे ही देना वन वर्ड आंसर, द फिलॉसफी ऑफ नियतिवाद हैज़ बीन इम्बाइब्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिक फिलॉसफीज, नियतिवाद आजीविका, एंड द फिलॉसफी ऑफ हेडोनिज्म मटेरियलिज्म, चार वर्क,
एक एक लाइन ना मैं उसकी, वो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, तो मैं उसका एक बार, जो पहला था सांख्य है ना, सांख्य किसका था, मैंने लिखवाया नहीं ना अभी, कपिल का था, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद किस में मानते थे, वेदांत, जिसका दूसरा नाम क्या है, उत्तर मीमांसा। शंकराचार्य भी उसी में मानते थे। बस मैं तुम्हें वेदांत बता रहा हूँ एक बार लास्ट जाने से पहले, क्यों, क्योंकि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से। वो जो मैंने ऑर्थोडॉक्स में आपको 6 बताए ना, उसमें बस वेदांत बता रहा हूँ लास्ट में, ठीक है, ये ध्यान से सुन लो बस वेदांत। तो वेदांत कहता है, मैंने ये सारे वो बताए थे ना आपको कि मोक्ष कैसे मिलेगा, वेदांत भी यही कहता है कि मोक्ष कैसे मिलेगा, पर अपने अपने रास्ते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं 1, 1.5 और 2, ठीक है। 1 क्या है कि निर्गुण सगुण कुछ नहीं होता, सब एक ही है, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, अद्वैत। किसने दिया था ये अद्वैत, किसने दिया था, किसने दिया था यार, पता नहीं, शंकराचार्य ने, आदिशंकर ने अद्वैत। तुमने साइंस पढ़ी है 11वीं 12वीं में, पढ़ी है, साइंस नहीं पढ़ी है, फिर तो पढ़ी है, जिन्होंने पढ़ी है उनको ये पता है कि लाइट का डुअल नेचर होता है, वेव और पार्टिकल, फोटोन भी होता है और वेव भी होता है। ये वेस्ट ने कब बताया, अभी बताया ना, किसने दिया था डुअलिटी, किसने दी थी लाइट की डुअलिटी, किस साइंटिस्ट ने दी थी, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 8th सेंचुरी में अद्वैत दे गए थे, वो ही होती है ये, ठीक है। फिर आया 1.5, 1.5 क्या कहता है, विशिष्ट अद्वैत, कि जो भगवान है वो मतलब आपके जो मोक्ष का सोर्स है ना, दैट इज़ निर्गुण, लेकिन कभी कभी वो फॉर्म्स ले लेते हैं, विशिष्ट अद्वैत, ठीक है, विशिष्ट अद्वैत। इसके फाउंडर हो गए शंकराचार्य, इसके फाउंडर हो गए कौन, रामानुजम, UPSC 2022 का क्वेश्चन, 2 नंबर, ठीक है। विशिष्ट अद्वैत ये कहता है, 1.5 का मतलब समझ रहे हो, कि आप भगवान जो मोक्ष जो आपको दिलवाएंगे, दैट इज़ मतलब वो नॉन, मतलब उनकी फॉर्म नहीं है, लेकिन कभी कभी वो फॉर्म ले लेंगे जब आपको नीड होगी। और द्वैत क्या होते हैं, द्वैत ये जो ये होते हैं, ये होते हैं सगुण ब्रह्म वाले, ये कहते हैं कि भगवान की वो भी हैं, मतलब फीचर्स भी हैं, ठीक है। इसका फाउंडर कौन है सगुण का, मतलब द्वैत का, द्वैतवाद का, ये प्ली, ये जो एक तो वो चार्ट इंडिक फिलोसफीज का, और एक ये वेदांत का चार्ट। क्यों इंपॉर्टेंट है ये पता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फिर से रिवाइव एक तरह से बेसिकली क्या हुआ है कि ना, जब भी वैसे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स होते हैं ना, जब वो राजा राममोहन राव के टाइम हो रहे थे, दयानंद सरस्वती ने कहा वेदांत इज इनफेलिबल, स्वामी विवेकानंद ने कहा वेदांत इज इनफेलिबल, और किसने बोला था ये लाइन, किस किस की लाइन है ये, श्री अरबिंदो ने कहा था वेदांत इज इनफेलिबल। तो जब ये चीज़ें चल रही हैं ना, और आपको जब तक क्लैरिटी नहीं होगी ना, तो क्वेश्चन आपका रामानुजम वाला ABCD सारे सेम लगते थे, वो सारी लाइनें सेम लगती थी, वो विशिष्ट अद्वैत वाली क्लैरिटी होनी चाहिए। 1 मतलब सब एक है, सगुण कुछ नहीं है, निर्गुण है सब। 2 मतलब सगुण और निर्गुण दोनों है, ये दिया था माधवाचार्य ने, ठीक है, ठीक है, या माधवाचार्य होंगे या पता नहीं, ये चेक कर लेना इनका मैं शोरूम, रामानुजम और शंकराचार्य, समझ गए, ठीक है ना, ये वाला बस चार्ट याद रखना। ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे, ऐसी कॉमन सेंस बिल्कुल। मान लो कल को पेपर में लाइन छपी हो कि स्वामी विवेकानंद डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, ट्रू है या फॉल्स, सोच के बताना, ये छप सकती है किसी भी साल लाइन, स्वामी विवेकानंद डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, ऑब्जर्वेशन से सोचो, सोचो एक मिनट, मतलब आप कह, अगर नहीं करते थे, मतलब आप कह रहे हो स्वामी विवेकानंद अद्वैतवादी थे, अब पता नहीं आप कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, मेरे हिसाब से तो वो थे सगुण वाले 2 नंबर में। दो दो बातें अलग होती हैं, ये सब ऐसे बोला जाता है, ही वॉज वेदांती, वेदांती मतलब इन तीनों में से कोई भी, लेकिन फिर आगे अद्वैतवादी थे या द्वैतवादी वो अलग चीज़ है, और वो आइडल वर्शिप करते थे, उनकी डायरीज में प्रॉपर लिखा हुआ है कि मैं काली की मूर्ति आगे बैठता, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक बड़ा फेमस बंदा है जो आइडल वर्शिप, जिसने बोला था बिल्कुल हटा दो, और आजकल उसके नाम के स्कूल चल रहे हैं और सबसे आगे उनकी फ़ोटो होती है, कौन थे वो, एक बंदा था जिसने बोला था आइडल वर्शिप बिल्कुल हटा दो, और उनके नाम के आजकल स्कूल चल रहे हैं और सबसे आगे उन्हीं की आइडल होती है, DAV स्कूल, दयानंद
सरस्वती ने आइडल वर्शिप के लिए बोला था ना हटाओ, और दयानंद एंग्लो वैदिक में सबसे आगे उन्हीं की मूर्तियाँ लगी होती हैं। ये सब चीज़ें आती हैं, कहीं मैंने पढ़ी हैं किसी प्रीवियस ईयर में, तभी पूछ रहा हूँ कौन करता था कौन नहीं करता था। शंकराचार्य बॉस अगेंस्ट आइडल वर्शिप, अद्वैत है ना, जहाँ पे आप गुण नहीं दे सकते, निर्गुण है सब। गुरु नानक कहाँ पे आएंगे? अद्वैत। गुरु नानक कबीर कहाँ पे आएंगे? निर्गुण। ये सब क्लैरिटी रखना, ठीक है, प्लीज़ क्लैरिटी रखना। स्वामी विवेकानंद उसमें आएंगे, वो एनोमली थे एक, इसीलिए ये सब, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, कल से प्रॉपर अब रट्टे वाली स्टार्ट हो जाएगी। हाँ निर्गुण।